अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मिसबा। आज हम बनाएंगे आम पन्ना की रेसिपी, जो कि बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रॉ मैंगो, उसको हमने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हूँ गैस पे। इसमें मैं ऐड कर दूँगी रफली चॉप किया हुआ मैंगोज़ को, रॉ मैंगोज़ को। और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, खूब सारा पानी यहाँ पर जाएगा। और इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इसमें साथ ही जाएंगे थोड़े से मसाले, जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के अराउंड नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, चिटकी भर काली मिर्च, चाट मसाला हाफ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा का पाउडर विच इज़ वेरी एसेंशियल। इसमें जाएगा शक्कर। देखिए शक्कर जो है हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के अराउंड ऐड कर लिया था। इसमें अच्छा सा एक बॉईल आने देंगे ताकि जो पल्प वगैरह है ना अलग हो जाए और जो उसका जो स्किन है वो अलग हो जाए, इतना हम उसको बॉईल करना है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। एक विसिल ले लें और बंद कर दें, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ये अब बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और देखिए हल्का हल्का सा जो इसका पल्प जो है निकलना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए इस तरीके से स्किन अलग होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको स्पून की मदद से स्क्रेप करके स्किन से सारा जो गूदा लगा हुआ होता है उसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से पल्प वगैरह अच्छे से निकाल के हम इसमें से स्क्रेप कर लेंगे। इस तरीके से स्पून की मदद से आप स्क्रेप कर लें, फिर इसको निकाल लेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद आप इसको स्क्रेप करके निकाल लें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सारे छिलकों में से अच्छे से जो पल्प लगा हुआ था उसको रिमूव कर लिया है। इसको कर लेंगे हम साइड में। यहाँ पे देखिए ये जो सीड्स है इसमें जो गूदा लगा हुआ है इसको हम नहीं स्क्रेप करेंगे, इसको हम फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद इसमें आराम से इसको खाएंगे, बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे हम सारे पल्प्स को इस तरीके से निकाल लिया है बाउल में और उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको इवन अच्छे सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे कुकर मिक्सर के जार में ऐड करके। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है जार में। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके निकाल लिया है। इस तरीके से देखिए स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हुआ है। इसी स्टेज पे चाहे ना आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए फ्रिज में, या आराम से 1 वीक चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। पल्प को मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ना अच्छा सा चिल्ड सा पानी ऐड कर लेंगे। आप चाहे ना इसी स्टेज पे यहाँ पे शक्कर को ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं शक्कर को, क्योंकि जब हम कुक करते वक्त शक्कर ऐड करते हैं ना वो थोड़ा सा जब हम पानी ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा फीका लगेगा। तो आप ज़रूर से इसमें शक्कर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा बर्फ़ ऐड कर लिया और एकदम चिल्ड सा वाटर हम ऐड करेंगे और इसको ठंडा ठंडा सा सर्व करेंगे। तो देखिए इसी तरीके की सिंपल एंड डिलीशियस सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चले आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मेरे साथ इसका पिक्स भी शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। तो चले आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।